Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are fit and happy. Grammar class. आज आपका English grammar में हम chapter number one start कर रहे हैं. आपका chapter one students ही. Okay. तो आज हम chapter one आपका क्या name है? आपके chapter one का grammar में vowel and consonants. Instead, vowel and consonants क्या होते हैं? इसे पहले हम क्या जानेंगे अपने alphabet जो आप सभी ने पढ़ रखी होगी अपनी प्रीवियस क्लास में. तो एक बार हम अल्फाबेट का रिविजन करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अल्फाबेट्स होते क्या है? हियर आर 26 लेटर्स. हियर आर 26 लेटर्स in the English language are called these are called क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स? अल्फाबेट्स. ओके, अल्फाबेट्स. तो फ्रेंड्स अल्फाबेट्स क्या होते हैं? देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर कॉल्ड अल्फाबेट्स. फ्रेंड्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें ही हम अल्फाबेट बोलते हैं. क्या होती है अल्फाबेट? ए से लेकर जेड तक ये सारी क्या है? आपकी अल्फाबेट है. अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. अब जानेंगे स्टूडेंट्स वोवल्स के बारे में. अल्फाबेट आपको पता चल गया, ए से लेकर जेड तक क्या है हमारी अल्फाबेट और उसमें कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम वॉवल्स की. ओके, वॉवल्स होते क्या हैं? वॉवल्स की चलिए फ्रेंड्स देखिए वॉवल्स बात करते हैं. फ्रेंड्स हम वॉवल्स की, वोवल्स क्या होते हैं? अभी हमने जाना अल्फाबेट के बारे में, अब हम जानेंगे वोवल्स के बारे में. ओके, ए ई ए आई ओ यू. मेरे साथ आप भी रिपीट करिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. ये क्या है हमारे? वोवल्स हैं. और कितने हैं ये? 5 है. काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5. कितने हैं? 5 है. तो ये वोवल्स हमारे कितने हैं? 5 है. और ये 5 लेटर जो है हमारे, ये 5 लेटर्स ही हमारे क्या कहलाते हैं? वोवल्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स हमारे? ये वोवल्स कहलाते हैं. आपके अल्फाबेट में 26 लेटर में से ये 5 लेटर, ये 5 लेटर्स क्या कहला रहे हैं? वोवल्स कहला रहे हैं. ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सनेंट्स की. कॉन्सनेंट्स की, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे वोवल्स हो गए. अब बात करते हैं हम कॉन्सनेंट की. कॉन्सनेंट, कॉन्सनेंट क्या होते हैं?
ठीक है, चलिए कॉन्सोनेंट। अब फ्रेंड्स हमारे अल्फाबेट में AEIOU को छोड़कर जितने लेटर बचे वो सब हमारे आते हैं कॉन्सोनेंट में। कैसे देखिए, अभी B C D F G H J K L M N O वो नहीं आएगा क्योंकि हमारा वो किस में आ रहा है, आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारा वो हमारा आ रहा है वॉवल्स में, तो हम नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे ठीक है। क्यू आर एस टी पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये सारे हमारे कितने हैं स्टूडेंट्स, हमारे 21 लेटर्स क्या है, किस में आ गए ये स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में आ गए। 5 आपके वोवल्स हैं और 21 आपके क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। बाकी सारे रिमेनिंग लेटर आपके अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट में आते हैं ए आई ओ यू को छोड़कर, ठीक है। अब आपको पता चल गया है वॉवल्स किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ, कितना क्लियर है। उसके बाद आपके अल्फाबेट में जितने भी लेटर रह गए इन सब 5 लेटर्स को छोड़कर वो सभी आपके आते हैं फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट में। जैसे कि आप अभी लिखा हुआ अभी देख रहे हो ना, एफ जी एच जे के एल एम एन पी आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे क्या हैं आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल्स आपके ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट आपके सारे आपके कॉन्सोनेंट है, बाकी लेटर। आई होप आपको समझ में आ गया वॉवेल्स किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे बोलते हैं। ये हमारे क्या है, अल्फाबेट के ही पार्ट होते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। टोटल कितने अल्फाबेट है हमारे, 26। 26 में से 5 आपके वॉवेल्स हो गए, 1 आपके कॉन्सोनेंट हो गए, ओके। इसमें एक्सरसाइज छोटी सी मैं दिखा रही हूँ आपको, फिल इन द वॉवल्स टू कंप्लीट द स्पेलिंग। कंप्लीट द कैसे, सी डैश डब्ल्यू एफ डैश एच एच। हमें क्या करना है, यहाँ वॉवल्स फिल करना है, करेक्ट वॉवल फिल करना है। तो आप भी देखिए सी डैश डब्ल्यू, ये कौन सा नेम बन सकता है आपका, काओ, सी ओ डब्ल्यू काओ, बन गया हमारा वर्ड कंप्लीट, नेम कंप्लीट हो गया। अभी देखिए इधर एफ डैश एस एच, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका क्या वर्ड बन रहा है, यहाँ पर हमारा बन रहा है फिश, एफ आई एस एच फिश। तो ये ओ जो आई हमने यहाँ फिल किया है वो क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ये वोवल्स में आता है, तो ये हमारे वोवल्स हैं, तो हमें यही करना था, वोवल्स फिल करना था, करेक्ट वोवल्स, ठीक है। एक और देखते हैं, पी डैश जी टी डैश पी एल टेबल देखिए सर,
अब बी डैश जी यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए, कौन सा वोवेल आना चाहिए इन पांचों में से, कौन सा वोवेल आना चाहिए तो हमारा जो करेक्ट बन जाए नेम। ए जी बैग, तो हमारा कौन सा वोवेल आ गया है, ए आ गया है, बी ए जी बैग। अब इसमें देखिए टी डैश बी एल ई, यहाँ पे कौन सा वोवेल आना चाहिए जो हमारा नेम कंप्लीट हो जाए, टेबल, ए एल ई टेबल। तो क्या गया हमने फिल कर दिया है। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया है वॉवल किसको बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। घर पे पढ़ते रहिए, अपने साथ में रिविजन करते रहिए, ओके, लर्न भी करते। थैंक यू।